जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपने मतलब के लिए एक छोटी सी बच्ची से उसके हाथ से लड्डू छीन सकती है, उसको मतलब नींद की गोलियां तक दे सकती है, मेरा वो किरदार है कि अपने फ़ायदे के लिए मैं एक बच्ची का बचपन कैसे भी ख़त्म कर सकती हूँ, तो किरदार तो वो है। एक्चुअली ये शो बहुत ऐसे मैं ये शो नहीं करने वाली थी क्योंकि मैं बाहर थी मेरी किसी दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए, बट कहते हैं ना डेस्टिनी स्पीक्स, तो मेरा वो उस प्रोजेक्ट पे कुछ प्रॉब्लम हुई और मैं मुंबई वापस आई, तो मुंबई वापस आके मैंने सबसे पहला कॉल सोनाली को किया कि सोनाली नाउ आई एम फ्री, सो सोनाली ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, यू नो मैं चाहती हूँ तू मेरा शो करे और तू क्यों नहीं मेरा शो कर रही है, तू आ ऑडिशन दे, तो मैंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। नहीं मुझे नहीं 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 ये बिल्कुल भी जो मेरा कैरेक्टर है उससे मैं रिलेट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन मेरा जो किरदार है इस शो में वो यही है कि कैसे एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के फ़ायदे के लिए किसी बच्ची का फ़ायदा उठाता है। एक लास्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। देखो इस शो में मसाला है, इमोशन सब है, मतलब मसाला भी है, इमोशंस भी हैं, कॉमेडी भी है, रोना धोना हंसना गाना जो भी एक डेली सोप में होता है मुझे लगता है उससे थोड़ा बढ़कर है, तो बेहतर है कि वो शो देखकर आप डिसाइड करें। थैंक यू।